उधर जाके जनाब वो जजीरा खरीद रहा है, कोई जनाब अपने बच्चों को उधर लेके जा रहा है। उतारा इस पाकिस्तान का सोचने जैसे के वापस आ गए जूते टूटे बच्चों के, बिल घर का ना पकाओ ना खाओ, दो रोटियां बनाओ एक सालन बनाओ, गैस का बिल पूरा, तनख्वाह उतनी नहीं जितने बिल है, इतनी कमाई नहीं जितने बिल है, 20-20-30-30 हज़ार लाइट के बिल, पंखा एक चलाते हैं पूरी फैमिली बैठते हैं उसके नीचे, ठीक है, मोटर चलाते हैं, फ्रिज बंद करते हैं, फ्रिज को 3-3 घंटे बंद रखते हैं सारा दिन, तो फिर भी 20-25 हज़ार बिल, 30 हज़ार रुपया बिल आ गया, फिर भी 30 हज़ार बिल आता आया। अगर हम इस पाकिस्तान का ना सोचेंगे तो हमारे बच्चे भी कह रहे हैं 3-3-4-4 दिन मेरे घर में दूध नहीं जाता। कुछ बंदा हूँ, ये देखे, ये देख लें, इधर भी देखें, ये क्या है, क्या हमारे अवाम, हमने तो वोट दे के तालियां मार मार के अपना अपना हाल अपना पास कर दिया है, हमें फ्यूचर भी यही नजर, हमारे ऊपर इस्लाम के ऊपर मेहरबानी कर दो, आपसे हुकूमत नहीं चलाई जा रही, खुदा के लिए इसको छोड़ दो, आप लोग उधर ही जाओ, यूरोप उधर चले जाओ, यूके चले जाओ, खुदा के लिए हमारे बच्चों पर रहम था, हमने तो भूखा नंगारा कि हमने ज़िंदगी गुजार ली है, आगे पता नहीं कितनी है ये कितनी नहीं, हमें अपने बच्चों का मुस्तकबिल नज़र, आपका दिल जो है वो क्या बददुआएं दे रहा है सर, क्या बददुआएं दें, बस जमान से ना नहीं कह सकता, मैं अपने को ऊपर कोई मुकदमा नहीं बनाना चाहता सकता दे रहेंगे। मैं तुम्हें ये बता रहा हूँ कि ये चौथा बिल हमने धार चौके चाड़ना, कितना गधार चुकेंगे, की करेंगे, बहुत परेशान हो ना, ऐसा ही हो जन्ना पूरी दुनिया ठीक हो जाए, जैनून गल है। कितना बिल आया की? मैंने आया 14,700 तो कुछ रुपये आया, तो सिर्फ एक फ्रिज बालना वा, ठीक है, तो एक पखा कूलर जोड़ा है वे वो वे तो दो बल्ब ने जी। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं DSP न्यूज़, मैं आपका मेज़बान मलिक ज़ुल्फ़िकार अली। मैं आवाम ने आज मैसेज बहुत किए थे और आवाम से आज वो पूछते हैं कि क्या आप आवाम की राय है, क्या मैसेज देना चाहते हैं, आ नाज़रीन बाज़ार से हम आवाम से बात करते हैं। ऐसा ही हो जन्ना तो पूरी दुनिया ठीक हो जाए, जैनून गल है। कितना बिल आया की? मैंने आया 14,700 तो कुछ रुपये आया, तो सिर्फ एक फ्रिज बालना वा, ठीक है, तो एक पखा कूलर जोड़ा है वे वो वे तो दो बल्ब ने, ये आ जाके कभी कभी मोटर ला रही थी, जो पानी ना आवे तो फिर खिंच ली जाते, तो यकीन करो 6-7 रुपये दिहाड़ी कमाना तो मेरी हालत वेख लवो, तो इस टाइम बिल्कुल फर्क हो लोगों के मुँह वाले देखी था कि यार अल्लाह ही है बस जरा निज़ाम चला रहा है, बाकी साढ़े हुक्मरान जो है ठीक हो जाना, तो बाकी यकीन करो असं भी खुशहाली से फ्रीए, सब दुनिया ठीक हो जाएगी, करना सही गल है, पाकिस्तान सोने की चिड़िया है, बाहर जे कंट्रियां कहते हैं पाकिस्तान वर्गा मुल्क कोई नहीं गा, लेकिन साढ़े हुक्मरान जोड़े ना वो साढ़े पाकिस्तान को खराब करते पे ने, तो सारे वसायल मदनियात सब कुछ है वो बावजूद भी सानू महंगाई पिसिया जा रहा है, महंगाई बड़ी महंगाई है जी, बड़ी महंगाई है, पेट्रोल फिर बद गया, बिल उन्होंने तुन के देते ने, उन्होंने कही 300 यूनिट जो तुम्हें फ्री दिता जाएगा, तो मैं कहना यूनिट नहीं फ्री दिता इन्होंने, आमदन का की जरिया है, आमदन का भाजी यही है कि देखो हर बंदा तंग है, जो ये चीज़ा सस्ती हो फिर गाहक भी आएगा ढाडे को, हर बंदे की खुशहाली होएगी, जो तो महंगाई होएगी बंदा बाहर नहीं निकलेगा, कोई शॉपिंग वगैरह नहीं होएगी, कोई चीज़ नहीं खरीदी जाएगी, वो चीज़ खरीदने लगे पहले 1000 बारी सोचेगा बंदा कि यार मैं 100 की चीज़ लैनी है तो यार मैं किस तरह 100 कटा, हूँ मैं ही हाँ मैं तो हूँ मैं सत्तू लाना रेहड़ी लाई है 30-40 रुपये गिलास बेचना वा, सुबह 8 बजे का आके रात को 9 बजे तक खिलौना वा, 700-800 का 1000 का मूँह वेखी दिया, तो घर जाइए तो 1500 का खलारा पिया होंगे, तो कितने सत्तू की रेहड़ी लाते हो तुम, तो पैदल आया जे सत्तू लैन पैदल आया, किराया भी नहीं लाया कि यार 20 रुपये किराया ना खर्च लवा कि पैसे ना घट जाए, देखो जी गरीब आदमी रेहड़ी ला के सत्तू बेचता है तो वह कहना मैं किराया नहीं ला के आया तो मेरे वो भी पैसे बच जा, मैं सत्तू लैन इतों आया वा, तो मैं घर जाना वा तो मेरे अखराजात जोड़े ने 1500-1600 रुपया होंगे, मैं आमदनी मेरी जी 1000 रुपया जी होंगी, मैं जाके घर परेशान हो जाता वा, थैंक यू सर, मेहरबानी जी, राम है और गुलाम ही रहेंगे, महंगाई इतनी बढ़ गई है आपको पता है, बिल बिजली के इतने बढ़ गए हैं कि हमारी पहुंच से बहुत दूर है, मेरा अपना बिल 22,000 रुपया आया, इस गुलामी से कैसे छुटकारा होगा, एक अच्छा लीडर जो हमें निकालने पर कोई कामयाब हो, मेरा कोई लीडर चाहिए, वो तो अंदर है वो बाहर हो तो ना, अब पंजाब में ऐसा कोई लीडर नहीं है, जितने लीडर सारे अंदर हैं कौन निकालेगा वहाँ से, और हम हैं भी इस लायक हैं, जो गवर्नमेंट हमारे साथ कर रही है ये हुकूमत हमारे साथ कर रही है, हम इसी लायक हैं, हम इसी लायक हैं कि हम
जूतियाँ खाने के लायक है, हम जूतियाँ खा रहे हैं, खाने के लिए हमारे पास कुछ नहीं है। मेरा 30-32 हज़ार तनख्वाह है और 22 हज़ार मेरा बिल है। मैं बच्चों का अखराज पूरे, 5 बच्चे हैं, कैसे अखराज पूरे करूँगा मैं? एक बच्चे की पेंसिल है, कच्ची पेंसिल, उस टैक्स लगा दिया है, गरीब आदमी का बच्चा कैसे पढ़ेगा? नहीं पढ़ सकता, नहीं पढ़ सकता। कोई उम्मीद है पढ़ने की? वो बच्चे को अपने को बच्चों को खाना खिलाएगा, रोटी खिलाएगा 2 टाइम की 1 टाइम की, या वो पढ़ाई लिखाई के उसके ऊपर खर्च करेगा, क्या करेगा वो? कुछ भी नहीं कर सकता, खाना नहीं खिलवा सकता, किचन का निज़ाम नहीं चल रहा, इस महंगाई की वजह से किचन का निज़ाम नहीं चल रहा, लाखों लोगों का यही हाल है। लेकिन हम क्या करें, मजदूर तबके हैं, अब सोचते हैं कि छुट्टी होगी, हड़ताल होगी, हमारा जो 1000 रुपया जो हम कमाते हैं वो कैसे कमाएंगे? इस परेशानी के हाल में वो क्या करेगा, वो खुदकशी करेगा फिर? अरे अब हम खुदकशी करने में मजबूर होगी, और कर रहे हैं लोग, लेकिन इन जालिम हुक्मरान को कोई पता नहीं है, फिर क्या करेंगे? बस बड़के मारते हैं, 300 यूनिट तक बिजली फ्री देनी थी, क्या कर रहे हैं? 300 यूनिट का बिल 25-30 हज़ार आ रहा है, कौन क्या इनके दिल में रहम आएगा? कभी नहीं आ सकता। बिजली के बिलों में कोई हुई है कमी? ना जी, बहुत ज़्यादा बिल आए हैं इस महीने, तो मेरा ख्याल है आगे से भी डबल आ रहे हैं, डबल। मरियम तो कहती थी 300 यूनिट हम फ्री में देंगे, है तो हमारी पार्टी के हैं, लेकिन मुझे ना वैसे शर्म आ रही है। गैस का बिल 25,000 रुपया, गैस का पूरा महीना गैस नहीं आई। बिजली का बिल भी डबल आया, तकरीबन 11,000। क्या चलाया महीने में? बस हमारे पास कुछ भी नहीं है, एक पखा सादा सादा पखा, एक एयर कूलर लिया था बच्चों के लिए, छोटे 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 बच्चे हैं उसके लिए एयर कूलर लिया था, बकाया तो मेरा ख्याल और तो कुछ भी नहीं है सर। जी सर, बिजली का बिल कितना है? 15,000 रुपये। क्या चलाते हैं घर में? एक मोटर पानी वाली चलती है, आम है ये इस्त्री वगैरह, और कुछ भी नहीं, मजदूरी करके बिल तारे नहीं जाता, तो पिछा 3 बिल 10-10 हज़ार रुपये तार चुके हैं। लोड शेडिंग कितनी होती है महीने में? लोड शेडिंग महीने में कि दिहाड़ी में 5-7 घंटे होती है। इतना बिल तो नहीं आना चाहिए? इतना नहीं आना चाहिए, ये तो कहते 300 यूनिट फ्री देंगे, ये करेंगे वो करेंगे, कख भी नहीं कर रहे। मरियम कहती थी कि 300 यूनिट हम ना फ्री देंगे अपनी आवाम को। हमने पूरे खानदान ने, हमारे 10 बोर्ड है घर के, हमने सामने 10 बोर्ड इसको दे, आज हमारा इतना बुरा हाल है, बचपन के बोर्ड इसके, इनको वोट दे रहे हैं मुस्लिम लीग ने उनको। क्या करेंगे, बच्चों का पेट पालेंगे या बिल अदा करते रहेंगे? मैं तुम्हें यही बता रहा हूँ कि ये चौथा बिल हमने धार चुके चाड़ में, कितना धार चुकेंगे, की करेंगे, बहुत परेशान हुए। उम्मीद रखते हो अल्लाह ताला से? उम्मीद होती है सानू, ते लेना दे कोई नहीं रखी दी, कोई चंगा बंदा आएगा? मेरा नहीं ख्याल, बस ऐसा ही होना चाहिए जिस तरह फलस्तीन जो हो रहा है, या सिर्फ फारग होना चाहिए हर चीज। इन्हों को नफरत हो गई? नहीं, नफरत की बात नहीं है, इंसान से वैसे नफरत नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अल्लाह ताला को ना जेड़ा एक बंदा गरीब आदमी का सोचता नहीं गा, महंगाई तो महंगाई तो फिर उन्हें तो की होएगा, तुम उन्होंने मेरा मतलब अच्छा समझोगे, जब फूलों के घर हार पाओगे, कोई ना कोई तो दिल से नफरत आएगी ना। हाँ, अल्लाह ताला ही हदायत दे इनको, बस बकाया तो मेरा ख्याल है इनके पास कुछ भी नहीं है, मेरे ख्याल किसी के पास भी ये।